हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चावल की खीर। खीर नॉर्थ इंडियन वर्जन का राइस पुडिंग है। आज हम बिना कॉर्नेज मिल्क यूज़ किए ही खीर बनाने वाले हैं और वीडियो के बीच बीच में मैं कुछ टिप्स देने वाली हूँ परफेक्ट खीर बनाने के लिए, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो का शुभारम्भ करते हैं। यहाँ हमने 100 ग्राम जोहा चावल लिया है, हमने बादाम, किशमिश और तेजपत्ता लिया है, चीनी लिया है 100 ग्राम, आप टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, दूध हमने 1 लीटर लिया है और इसे तब तक उबालना है जब तक कि दूध का क्वांटिटी आधा ना हो जाए, मतलब आधा लीटर। दूध का कलर चेंज हो चुका है और अब हम यहाँ हमारा जो चावल है वो ऐड करेंगे। चावल हमने आधा घंटे के लिए भिगो के रखा था, फिर हम चावल को पानी से अलग करेंगे और दूध में डाल देंगे। हमें स्टेयर करते रहना है बीच बीच में और तब तक पकाना है जब तक कि चावल 80% कुक ना हो जाए। 80% कुक होने के बाद ही हम यहाँ ऐड करेंगे जो भी ऐड करना है। हमारा जो चावल है वो हम एकदम स्टार्टिंग में ऐड करके भी दूध को कमा सकते थे, पर हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमें जो चावल है वो ओवर कुक भी नहीं करना है। तो हम पहले दूध को कम कर लेंगे, फिर चावल ऐड करेंगे। हमारा जो चावल है अभी 80% कुक हो चुका है, मतलब हम अभी जो हमारे जो ड्राई फ्रूट्स है और फिर तेज पत्ता वो ऐड कर सकते हैं। हमने तेज पत्ता ऐड कर दिया और अभी हमारा जो बादाम और किशमिश रखा हुआ था वो भी हम ऐड कर देंगे। आप कोई और भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि चेरी। चेरी यूज़ करने से बहुत अच्छा कलर आता है और वाइट और रेड का कम्बिनेशन, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। हमारा जो खीर है वो जो इसका जो चावल है ऑलमोस्ट मतलब अभी हो चुका है, बार मतलब 90% तक हो चुका है, तो आप अब चीनी ऐड कर सकते हैं। हम चीनी लास्ट में ही ऐड करेंगे। ये और एक टिप के हिसाब से आप ले सकते हैं। अभी हम चावल को एकदम 100% पकने तक पकाएंगे और आप देख सकते हैं कि चावल पक चुका है और जो क्वांटिटी हम लोगों ने सिर्फ 100 ग्राम दिया था उसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो चुका है, और ये ठंडा होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा और हमारा खीर खाने के लिए रेडी है। ऐसे बनाने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और कोई भी खाने के लिए मना नहीं कर सकता एक चम्मच खाए तो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।